नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा तो दूसरी प्रस्तावित थी। चर्चा हमें ये करनी थी कि नीतीश कुमार की बदली हुई चाल से बिहार की राजनीति में कौन आबाद हुए, कौन बर्बाद हुआ, किसे नफा हुआ, किसे नुकसान हुआ। लेकिन ये चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, पर लालू यादव ने आज फिर से बिहार की राजनीति को छका दिया है। बीजेपी वाले भी टेंशन में आ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए, कल ही लालू यादव और नीतीश कुमार में आंखों में बातें हुई थी और आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। राहुल गांधी की गाड़ी भी ड्राइव की तेजस्वी यादव ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही करा तंज भी कसा। तेजस्वी इतना तक बोल गए कि देश के किसानों से मिलने की फुर्सत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा से मिलने की फुर्सत तो उन्हें मिल ही जाती। खैर, चलिए, तेजस्वी ने महफिल लूटी, इंडिया ब्लॉक में बातचीत शुरू हुई। जब राहुल गांधी मिले तो कुछ सीटों पर भी बातचीत हुई होगी, सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जब तेजस्वी सासाराम में थे राहुल गांधी के साथ, तो लालू यादव भी टहलने के लिए पटना वाले बंगले से निकल गए, सोनपुर चले गए। पत्रकारों ने पीछा किया, सोनपुर में मिल भी गए लालू यादव। और लालू यादव से जब यह पूछा गया कि नीतीश कुमार फिर आएंगे तो क्या आप अपने साथ कर लेंगे, उन्होंने बिल्कुल ही मना नहीं किया, गुस्साए भी नहीं, और अमित शाह की तरह यह भी नहीं बोला कि फाटक बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा है। कहा क्या थे लालू यादव ने, कहा कि आएंगे तो देखेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि दरवाजा खुला रहेगा कि बंद रहेगा, उन्होंने कहा दरवाजा खुला ही रहता है। तो देखिए, बीजेपी वाले के तो दिमाग में यह बात, लालू यादव ने एक नई बात डाल दी, क्योंकि लालू यादव को भी पता है कि 2025 के पहले यदि तेजस्वी यादव को हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो वह नीतीश कुमार ही बना सकते हैं। तो लालू यादव ने इस तरीके से छका दिया। अजीत जी, आपकी क्या है पहली टिप्पणी? देखिए, ये इस बात की संभावना राजनीति में किसी को भी कभी भी कोई भी बात बहुत डेफिनेट होकर के नहीं कहनी चाहिए जी, क्योंकि सबको पता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। आज आपका जो दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, जो दुश्मन है उसको आप दोस्त बना सकते हैं। राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से, हालात के हिसाब से, मौके परिस्थितियों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से समझौते होते हैं, और वो हम चारों तरफ देख रहे हैं अभी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समझौता कर रही है ऐसे लोगों से जिनको कल तक भ्रष्ट बताया जाता था, परिवारवादी बताया जाता था, उन तमाम लोगों से अछूत थे, बिल्कुल अछूत थे, और प्रधानमंत्री के स्तर से जिनके बारे में बहुत बुरी बातें कही जाती थी, उन सब लोगों से समझौता हो रहा है, तालमेल हो रहा है, उनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, और पार्टी के बड़े नेता ट्वीट करके उनका स्वागत कर रहे हैं कल तक जिनको वो लोग गालियां दे रहे थे। तो ये राजनीति में हम चारों तरफ देख रहे हैं इसलिए। और एक बहुत पुरानी कहावत है ज्ञानेश्वर जी कि आप जब भी बोलिए तो आपकी बोली जो है, आपके शब्द जो है वो मुलायम और मीठे होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको अपने शब्द वापस चबाने भी पड़ सकते हैं, तो जब वापस चबाने पड़े तो वो कड़वे न लगे, इसलिए वैसी जबान ही नहीं बोलनी चाहिए राजनीति में, तो खासतौर से नहीं बोलनी चाहिए। बहुत डेफिनेट होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए कि ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, अरे नहीं होता है कई बार काम, आप जो सोच रहे हैं उस तरह से काम नहीं होता है, और आप जो देख रहे होते हैं वैसा भी नहीं होता है। अब ये लगातार दूसरा दिन है ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने कल चर्चा की थी सीढ़ियों पर जो मुलाकात हुई थी, और आपने लिखा भी था कि आंखों आंखों में बातें हुई, वो जो बॉडी लैंग्वेज था कल का, जो जेस्चर था दोनों लोगों का, आप देखिए तेजस्वी मुस्कुरा रहे थे खड़े होकर के, और दोनों भाई बाहों में थे एक दूसरे के, दोनों ने एक दूसरे को, नीतीश कुमार ने उनको पकड़ा हुआ था लालू यादव, और ये संयोग नहीं था, ये आपने ठीक कहा कि ये संयोग नहीं था, आपने कहा था कल की ये संयोग नहीं था कि मुख्यमंत्री ऐसे सीढ़ियों से उतरने लगे जब पोर्टिको में किसी की गाड़ी लगी हुई और कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जानबूझ करके निकले ताकि लालू यादव से आमना सामना हो और जो आंखों से जो मैसेज कन्वे करना है वो कर दें। और हमने कहा था कि सीढ़ियों पर एक मैसेज डिलीवर हुआ था, आज उस मैसेज का फिर हम दोहरा रहे जो हमने एक दिन और कहा था कि आप कि उस मैसेज पर ब्लू टिक होने का आज आ गया कि वो ब्लू टिक हो गया, वो मैसेज रिसीव हो गया लालू यादव, बिल्कुल लालू यादव ने देख भी लिया, समझ भी लिया उस मैसेज को, और बड़े चार शब्दों में लालू यादव
कम शब्दों में बात कहने वाले नेता नहीं है, बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो इसलिए कई बार बातों में फंसते भी रहे हैं। और ये आमतौर पर ऐसा होता है कि जो मुंह पर बोलने वाला आदमी उस तरह के नेता है वो, तो उन्होंने कहा कि आएंगे तो देखेंगे और दरवाजे खुले ही रहते हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार से फिर बात हो सकती है और उनके लिए दरवाजा बंद नहीं है, जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा में कहा था कि वो अगर परसों आ जाए तो परसों पूरा लालू प्रसाद उनको, लालू परिवार उनको गले लगाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जब आते हैं तो खुशियां लेके आते हैं, सौगात लेकर के आते हैं, सत्ता लेकर के आते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उनको कोई ठुकरा नहीं सकता है। जब जो लोग ये कह रहे थे कि खिड़की दरवाजे सब बंद है, उन्होंने गले लगा लिया, तो लालू यादव तो कह रहे कि हमारा दरवाजा खुला ही रहता है। और नीतीश कुमार को तो इतनी सुविधा है लालू यादव के घर में घुसने की कि वो सामने वाले दरवाजे से भी आते हैं, पीछे के दरवाजे से भी आ जाते हैं, पैदल चलते हैं, तो वो जब चाहे तब आ सकते हैं। हालांकि ये तय है कि अभी नहीं आने वाले हैं, अभी तुरंत नहीं आने वाले हैं, ये भी तय है। लेकिन जो कल एक बात थी, ये अगर ये इस बात को ऐसे कहें तो ये गलत नहीं होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने एक मिला जुला खेल खेल दिया है, एक ऐसा दाव चला है जिसमें दोनों मिले हुए हैं, और लालू यादव ने ऐसा गेम खेला है जिससे नीतीश कुमार को फायदा होगा। तो ये एक एहसान उन्होंने बिना कुछ कहे नीतीश के ऊपर लगा दिया। अब ये आगे नीतीश कुमार इस एहसान को कैसे चुकाएंगे ये उनको देखना होगा। लेकिन ये तो ये हुआ ना जी, जीतकर सांसद ले आओ और फिर विधानसभा चुनाव में हम दोनों भाई साथ हो जाओ। बिल्कुल, और जीत के सांसद मत ले आओ खाली, ये लालू यादव ने ऐसा कह दिया कि आपको ज्यादा सीटें मिले, मतलब आप नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा दी लालू यादव। अब तो बीजेपी को ये लग रहा है ना कि नीतीश का कल भी स्वागत हो जाएगा लालू यादव के यहाँ, वो दरवाजे तो खुले ही हुए हैं उनके। तो अब कल का जो मैसेज था वो बीजेपी को भी डिलीवर हुआ है, और अब नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने अब उस मैसेज को और पुख्ता कर दिया। अब बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई नीतीश कुमार की। अब जो लोग कहते थे कि उनको 12 सीट पर दबा लेंगे, 13 सीट पर दबा लेंगे, सीटों की अदला बदली कर लेंगे, वो नहीं होना है। वो आप पहले कह चुके हैं कि 15 सीटें तो निश्चित ही हो गई है उनकी, 15 सीटों पर तो बात बन चुकी है, 15वीं सीट की बात हो रही है, 15वीं सीट किशनगंज है, तो अब वो भी मिल ही जाएगी जी, क्योंकि ये एक नीतीश कुमार की बात बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ा दी है लालू यादव ने। और अब नीतीश कुमार को सरकार चलाने में भी कोई परेशानी नहीं आनी है, बहुत स्मूथ सरकार चलेगी। और जो दो उनके नापसंद वाले लोगों को बीजेपी ने जो उप मुख्यमंत्री बनाया था, अब उस दाव को भी, उस चीज को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है लालू यादव और नीतीश कुमार के कल की मुलाकात में, जो सीढ़ियों पर हुई विधानसभा के, और आज लालू यादव ने जो बयान दिया, इस बात ने, इस दोनों घटनाक्रम ने बीजेपी के उस दाव को न्यूट्रलाइज कर दिया है जो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने चले थे। अब बाजी, अब जो पलड़ा झुक गया है नीतीश कुमार के हाथ में, फिर नीतीश कुमार पूरे कंट्रोल के साथ ड्राइविंग सीट पर है। अब उनको नहीं किया जा सकता है, दबा करके नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत क्लियर कट ये चीजें हो गई इनसे। और एक मैसेज भी खुल गया, जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनवाना है लालू यादव को, और 2025 में बनवाना है या उसके पहले बनवाना है, ताकि वो अपनी आंखों से देखें अपने बेटे की ताजपोशी, तो वो तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार साथ में आएंगे। अभी इस बात की कोई संभावना बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो आरजेडी के लिए कोई मौका नहीं। देखिए, हम लोग बार बार, ये लोग जिसको कहिए वो कहता है कि बिहार में लालू यादव को वैसी, तेजस्वी यादव को वैसी बहुमत मिल जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिल गया था। लेकिन वो स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव को इसलिए मिल गया था, या उनके पहले मायावती को इसलिए मिल गया था, क्योंकि वहां बहुत स्पष्ट ट्रायंगुलर फाइट था, त्रिकोणीय लड़ाई थी, तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। अगर जो बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव और भाजपा तीनों अलग अलग लड़े, तब तो आरजेडी के लिए, तेजस्वी के लिए कोई गुंजाइश है। लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी मिलकर के लड़ेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए हर हाल में आरजेडी की जीत के लिए, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। वो जरूरत है, मैं समझता हूँ। आज तो देखिए, जहां लालू यादव ने कह दिया कि दरवाजा खुला है, और दूसरी चाल तेजस्वी यादव ने चली कि नहीं, बात अब आगे बढ़ाइए, राहुल गांधी से मिलने चले गए, उनकी गाड़ी ड्राइव की, महफिल लूटी और प्रधानमंत्री पर तंज कसा। जो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव बीजेपी के खिलाफ बोलने में संकोच कर रहे हैं, आज वे इतना तल्ख थे कि प्रियंका चोपड़ा तक चले गए। तो आज लालू यादव ने जो न्योता भेजा, या ये कहा कि हमारा घर तो खुला ही हुआ है, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी जब चले आओ। और उधर तेजस्वी यादव ने राहुल से अपनी डील फाइनल करनी शुरू की, तो इसका असर तो दिखेगा।
देखिए ये दोनों, इसमें दो बातें हैं जो आपने कही तेजस्वी यादव के मूव में, वो एक एक क्लोज बॉन्डिंग दिखाने का एक तरीका होता है कि आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, किसी को बिठा करके आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ये क्लोज बॉन्डिंग शो करता है। जैसे हम लोग बहुत दिन से देखते आए हैं कि जब सोनिया गांधी और या उनके परिवार के लोग जाते थे अमेठी रायबरेली, और जब सतीश शर्मा जीवित थे तो सतीश शर्मा गाड़ी चलाते थे, तो जी उसका एक बिल्कुल, मैसेज होता था कि आप कितने नजदीक हैं परिवार के, आप किसी भरोसे के आदमी के हाथ में ही तो ड्राइविंग सीट दे सकते हैं। ड्राइवर तो बिल्कुल, आपको भरोसे का ही आदमी होगा जो ड्राइविंग सीट पर आप बिठाएंगे। एक मैसेज तो ये होता है, एक मैसेज दिया तेजस्वी यादव ने कि हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आप हमारे प्रदेश में आए हैं और हम आपके साथी हैं, तो आपके लिए हम इतना सम्मान में आपके हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। इसका दूसरा मैसेज ये भी होता है कि ड्राइवर सीट पर आरजेडी है बिहार में, तो ये भी एक मैसेज है कि आप ड्राइविंग सीट पैसेंजर पर तो मैं हूं। हो। हाँ, ड्राइविंग सीट पर मैं हूँ, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं, और वो पायलन राइडर हैं, पैसेंजर हैं जो बाइक पर पीछे बैठता है या गाड़ी में बगल में बैठे हुए हैं, वो राहुल गांधी हैं। तो ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी के होने का भी एक मैसेज गया। और अगर आप इन दोनों में जो बॉन्डिंग शो हुई है, जिस तरह की दोस्ती दिखी है, वो ये तो तय हो गया कि लोकसभा चुनाव में बहुत एमिकेबल तरीके से, बहुत एक राय से, आपसी सहमति से सीटें तय हो जाएंगी, उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज तो तय हो गई आज जो बॉन्डिंग शो की है उन्होंने। और अब ये बॉन्डिंग जहां जहां अपोजिशन के का जो बड़ा छत्रप है वो कमजोर हुआ है, वहां वो छत्रप कांग्रेस के साथ दोस्ती दिखाने लगा है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये खबर आई कि आरएलडी अलग हो सकती है, वैसे ही अखिलेश यादव बहुत क्लोज हो गए, और अखिलेश यादव ने तो कह के न्योता लिया कि यार कांग्रेस ने अभी तक हमको यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया है। तो तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उनको न्योता दिया गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, चिट्ठी लिख दी कि भाई वो रायबरेली या अमेठी में कहीं उस यात्रा में शामिल होंगे, राहुल गांधी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आएगी। तो जैसे ही वो कमजोर हुए, वैसे ही कांग्रेस के साथ दोस्ती बढ़ा ली उन्होंने। उसी तरह से यहां जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए, आरजेडी की मजबूरी हो गई कि वो कांग्रेस से दोस्ती बढ़ाए और कांग्रेस के साथ क्लोज बॉन्डिंग शो करे, तो वो क्लोज बॉन्डिंग तेजस्वी यादव ने शो की है। तेजस्वी यादव और लालू यादव, माफ करिएगा, राहुल गांधी में पहले से केमिस्ट्री रही है। जी बिल्कुल, मार्केट में, दिल्ली के खान मार्केट में दोनों साथ गए थे, एक बहुत चर्चित रेस्तरा है वहां, टाउन हॉल, जिसमें जाकर के दोनों ने लंच किया था, फोटो आई थी दोनों की। तो एक क्लोज बॉन्डिंग है दोनों में, वो आपस में मिलते रहना, बातचीत करना। लालू यादव के यहाँ घर भी गए थे, मीसा भारती के, राहुल गांधी ने जाकर के मटन बनाया था। तो ये उस एक बॉन्डिंग शो हुई है आज दोनों में, और इस बॉन्डिंग का असर चुनाव में और चुनाव प्रचार में दिखेगा। एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा, आपने जो कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज किया, ये अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री, ये जो चर्चा थी कि आप अभी सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो आपको अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये जो आपने अटैक किया वो ठीक नहीं है, वो बिलो द बेल्ट है, ये अटैक अच्छा नहीं है। मतलब आप प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिल रहे हैं, ये तो आप जितनी सख्ती से कह सकते थे उतनी सख्ती से कहिए कि प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिल रहे हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, उनको समय नहीं मिल रहा है। आप ये जो पॉलिसी मैटर है, इस पर आप जितनी तल्ख आलोचना कर सकते हैं करिए, हम सब लोग कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि यहाँ यहाँ प्रधानमंत्री ने किसानों और जवानों को उलझा दिया। 4 दिन से किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं और अपने निकल लिए कतर और दोहा और दुबई और अबुधाबी की यात्रा पर। वो खैर, बिल्कुल वो यात्रा पहले से प्लान थी, वो चले गए, लेकिन यहाँ भी उनको ये किसानों से मिल करके ये मसला सुलझाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इस बात पर आलोचना करनी है, ये पॉलिसी मैटर है, आप आलोचना करिए। प्रियंका चोपड़ा से मिले तो ये क्या, वो प्रियंका चोपड़ा से मिलना चाहिए, वो कल्चरल एम्बेसडर है भारत की, जी हीरोइन है, फिल्म अभिनेत्री है, लेकिन कल्चरल एम्बेसडर है, वो हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत नाम कर रही है अमेरिका में जाकर के, और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है अपने अपने दम पर, अपनी अपनी है, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से। और अगर वो कहीं यूरोप में प्रधानमंत्री थे, वहां वो मिले और उनकी फोटो आई, तो ये कौन सी तंज करने की बात हो गई? हाँ, ये तंज करने की बात नहीं हुई बिल्कुल, ये तो एक मानसिकता है कि फिल्म वालों से मिल रहे हैं तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी ये बात कोई आदमी कैसे कह सकता है? ऐसा आदमी, तेजस्वी जैसा आदमी जो खुद ही क्रिकेटर रहे हैं, आप कल को कहिएगा कि क्रिकेट स्टार से मिल लिए, फिल्म स्टार से मिल लिए, तो ये समय बर्बाद करना थोड़े है। बिल्कुल, ये कहिए कि आप फिल्म वालों से भी मिलिए, क्रिकेट वालों से भी मिलिए, किसानों से भी मिलिए, जवानों से भी मिलिए, प्रधानमंत्री तो सबसे मिलेगा ना। फिल्म फ्रेटर्निटी को अगर कोई आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है और विदेश में है तो उससे मिले, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बहुत एक खराब मानसिकता है इस देश के नेताओं की और आम लोगों की भी, जो नहीं होनी चाहिए। तो वो तंज ठीक नहीं है। और उस दूसरी, अब उसमें हम एक बहुत जरूरी बात ये कहना चाहते हैं, ज्ञानेश्वर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, दिल पर लेते हैं वो। जी बिल्कुल, अभी 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 हेमंत सोरेन जो जेल गए हैं,
हमको याद है 1-1.5 साल पहले की बात होगी, एक ही साल ज्यादा पहले, 1-1.5 साल पहले की बात होगी, उन्होंने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के एक बात कही थी। प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया था, उनसे फोन पर बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री को मन की बात करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए, खाली मन की बात करते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगी थी और ये बात, हम लोग दिल्ली में है, हम लोग को पता है कि बीजेपी के पूरे सर्किल में प्रधानमंत्री के यहाँ इस बात को अच्छे से नहीं लिया गया था कि वो मन की बात कर रहे हैं। तो मन की बात करना एक अलग चीज है, आप कोई व्यंग लिखने वाले लेखक तो है नहीं कि वर्ड प्ले करने लगे कि मन की बात और काम की बात, आप कौन सा 24 घंटे काम की बात कर रहे हैं थोड़े, तो वो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। ये उसी तरह की बात है कि आप किसानों से नहीं मिलते हैं, प्रियंका चोपड़ा से मिलते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको मिलाने की क्या जरूरत है। आप जब समझदारी की बात करिए ना, किसानों से नहीं मिलते हैं इसके लिए तंज करिए, फिल्म स्टार से मिलते हैं, वो भी प्रधानमंत्री का काम है, वो भी मिलना चाहिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोग उस इंडस्ट्री से डिपेंडेंट है, लाखों क्या 1 करोड़ लोग होंगे जो निर्भर करते हैं फिल्म इंडस्ट्री पर, उसको रिप्रेजेंट करने वाले किसी आदमी से मिले तो ये जिक्र की बात नहीं होनी चाहिए थी। तो वहां वो गलती कर गए और ये उनके उनको समझना चाहिए कि और अभी अभी तेजस्वी यादव गुजरात मामले में माफीनामा के बाद बचे हैं सुप्रीम कोर्ट की राह, हाँ सुप्रीम कोर्ट की दया से कि उन्होंने माफी मांग ली, हाँ तब बचे हैं, हाँ बिल्कुल। तो अभी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मतलब ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए कि आप किसी बात को रॉ में बह गए, क्योंकि आप कोई आम आदमी नहीं है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले कोई राह चलते आदमी नहीं है कि आप कुछ भी जो मन हो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है आप कह देंगे, आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, आपको अपने जज्बात को काबू में रखना है बोलते समय। चलिए तो अब आते हैं हम लोग मूल विषय पर, जो आज चर्चा हम लोगों को करनी थी कि नीतीश कुमार ने चाल बदल दी, महागठबंधन छोड़ दिया और एनडीए में आ गए, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, सामने लोकसभा चुनाव है और इतना तेज घटनाक्रम हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए। हम लोग भले ही सितंबर महीने से कह रहे थे, पिछले एक महीने से जो दंगे की चोट पर कह रहे थे, तो समझना ये चाहते, कुछ नाम भी हम लेंगे, कि नीतीश कुमार की बदली हुई चाल से जो लोग भागे जा रहे थे बीजेपी में कि नहीं नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना है, नीतीश कुमार के जितने दुश्मन थे उन्हें बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा रही थी, अब उनका क्या होगा, उनके लिए तो बड़ा नुकसान हो गया। जो सहयोगी पार्टियां थी, यदि हम इस चर्चा की शुरुआत करें कि नुकसान वाली कतार में, तो हमें सबसे अधिक नुकसान में दिखते हैं आरसीपी सिंह। कभी नीतीश कुमार की आंखों के तारे थे, पूरा बिहार वे ही चलाते थे और जब नीतीश कुमार से बात बिगड़ी तो उन्होंने जेडीयू छोड़ा और फिर बीजेपी के साथ, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आरसीपी सिंह के बहाने पूरा खेला कर देगी, लेकिन अब तो बीजेपी के खेला के शिकार खुद आरसीपी सिंह हो गए। अजीत जी, आगे नाम और भी लेंगे हम। ये ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था उस समय, तो वो एक समय तो इतने प्यारे थे बीजेपी के आरसीपी सिंह, लग रहा था कि उनको पूरे बिहार की कमान न सौंप दी जाए, उनको पूरी पार्टी न सौंप दी जाए, नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में बीजेपी उनको तैयार करे, इस तरह की बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, नालंदा की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ये बात भी चल रही थी, तमाम चीजें उनको लेकर के अच्छी अच्छी चीजें थी, नालंदा नहीं तो मुंगेर ये भी माना जा रहा था, ये भी माना जा रहा था, वहां भी वोट है तो नालंदा नहीं तो मुंगेर की चर्चा थी, लेकिन पता नहीं ये खटका हमको उसी समय से था जिस समय उनको कैबिनेट से निकाला गया और राज्यसभा नहीं दी गई। जब नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा नहीं दी तो बीजेपी कहीं से उनको राज्यसभा भेज सकती थी, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई, बीजेपी ने उनको, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर को सरकार में बनाए रखना ये तो प्रधानमंत्री का दायित्व तो होता है, चूंकि वो प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन उनको बीजेपी ने कोई मौका नहीं दिया। आप देखिए अभी अश्वनी वैष्णव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उड़ीसा में बीजेपी के पास सीटें नहीं है, तो प्रधानमंत्री के स्तर से नवीन पटनायक से बातचीत करके और ये इंश्योर किया गया कि नवीन पटनायक मदद समर्थन देके और उनको राज्यसभा, चूंकि प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बनाए रखना है अपने कैबिनेट में, तो जब ये हुआ था कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने जाने दिया आरसीपी सिंह को और उनकी राज्यसभा खत्म होने दी और उसके बाद मंत्रिमंडल से भी जाने दिया, तभी ये लग गया था कि बीजेपी का कोई लव लस्ट नहीं है, बीजेपी उनको कोई लेकर के उनके प्रति कोई बहुत सद्भाव का वो नहीं रखे हुए है सोच, तो तब भी ये था कि भाई नीतीश कुमार अलग है तो उनकी एक पूछ है, उनके लिए एक मौका है कि बीजेपी में उनको कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे नीतीश कुमार आए वैसे एडजस्टमेंट की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। अगर अगर नीतीश कुमार नहीं आए रहते
तो क्या पता इस बार हो सकता है राज्यसभा चले जाते हैं आरसीपी से, हाँ बिल्कुल, नहीं तो लोकसभा लड़ लेते या लोकसभा लड़ लेते, कुछ भी हो सकता था जी। उनके लिए। उनकी उपयोगिता देखती बीजेपी उनको राज्यसभा ले जाती या लोकसभा के लड़ाने की बात हो जाती। लेकिन वो सचमुच आपने पहला नाम जो लिया वो ठीक है कि वो सबसे ज्यादा नुकसान में, नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान में आरसीपी है, और वो इस सदमे में है, डूबे हुए गांव में बैठे हुए इस सदमे में होंगे, और यही वजह है कि उन्होंने बधाई तक नहीं दी नई सरकार के गठन पर उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बधाई संदेश तक नहीं लिखा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने सब कुछ लिख दिया। लेकिन आज हमारी जानकारी के शायद वो दिल्ली गए हैं, भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आरसीपी सिंह, अब देखिए हम वैसे नेताओं की बात करते हैं, जेडीयू की 16 पार्लियामेंट्री सीटें, 16 एमपी, और बीजेपी पिछले एक साल से डेढ़ साल से इन 16 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ने की तैयारी कर रही थी। इतने पहलवान थे, कई लोग मुझसे भी बातें क्या करते थे, थोड़ी मेरी इमेज बिल्डिंग कर दीजिए, लगातार बीजेपी में मिलन समारोह होता था, हेलीकॉप्टर से बीजेपी के बड़े नेता उनके क्षेत्रों में जाते थे। तो जैसे ही नीतीश कुमार आए, सब के सब सदमे में चले गए, मिलन समारोह भी बंद हो गया, और जो आए उन्हें लग रहा है यह तो बीजेपी ने कितना बड़ा झटका दे दिया। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो 4-5 दिन पहले आए थे, पूरा पूरा पेज विज्ञापन दिया था। तो ये झटका तो इतना तेज झटका है अजीत जी, देखिए यदि हम सहयोगियों की बात करें, चिराग पासवान को नुकसान हो गया, उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो गया, विजय मांझी बेटिकट हो रहे हैं गया के जेडीयू एमपी, महाबली सिंह बेटिकट हो रहे हैं, सुनील कुमार, महाबली सिंह काराकाट के एमपी, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी के एमपी, जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जेडीयू बेटिकट कर लेगा तो बीजेपी गोद ले लेगी, मूल रूप से बीजेपी के ही हैं, लेकिन जेडीयू ने तो बेटिकट करने का फैसला कर ही लिया है, देवेश चंद्र ठाकुर वहां से घोषित उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार की ओर से। तो ऐसे में ये नुकसान वालों की कतार, इस पर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आप क्या समझते हैं इस नुकसान की भरपाई ये सारे लोग कैसे करेंगे? देखिए वो अभी फिर आरसीपी वाले सदमे में सब लोग होंगे, जिस सदमे में आरसीपी हैं, कि उन्होंने नीतीश कुमार को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी वालों को भी बधाई नहीं दी है, संभवतः उन्होंने बीजेपी के भी उनको भी बधाई नहीं दी है, सरकार बनने की बधाई उनको देना चाहिए ना, वो उन्होंने वो भी नहीं दी है, वो उस सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो उसी तरह का सदमा इन सब लोगों के साथ लगा हुआ है। देखिए सुनील कुमार पिंटू तो वो पहले ही होता है ना कि जंप फ्रॉम द शिप जो होता है, वो पहले ही जहाज से कूद गए थे, जंप ऑफ द शिप, वो पहले ही उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार तो अब आ नहीं रहे हैं, बीजेपी अपना बीजेपी अकेले लड़ रही है, तो हम और नीतीश कुमार हो सकता है हमको टिकट ना दे, तो हम पहले ही जहाज से कूद जाते हैं, तो वो पहले ही जहाज से कूद गए। अब यही ये जो बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि जब तक आपका एक पांव जमीन पर नहीं हो तब तक दूसरा पैर नहीं उठाना चाहिए है, तो वो गलती वो कर गए, उनका एक पैर जमीन पर था ही नहीं और उन्होंने दूसरा पैर उठा लिया, वो जंप कर गए, अब वो बीजेपी की तरफ से भी गए, जेडीयू की तरफ से भी गए। तो ये उस तरह का नुकसान बिना सोचे समझे फैसला करने का जो होता है वो एक नुकसान हो गया। देखिए बीजेपी अगर अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो बीजेपी 30 सीटों पर लड़ती, कम से कम 28 सीट तो लड़ती ही, तो उसको 11-12 नए कैंडिडेट खोजने थे, तो उस 11-12 कैंडिडेट के लिए, उन 11-12 सीटों के लिए तो 50 लोग होंगे जो दावेदारी कर रहे होंगे, 70 लोग मैं लिस्ट बना रहा हूं दावेदारी जी, ऐसी सीटों पर जो सीटें नई आने वाली थी बीजेपी के खाते में जी बिल्कुल, तो ऐसे 70 लोग बेचारे, अब वो तो उनकी तो बंद हो गई, उसी समय बंद हो गई, अब उसमें से किसी के लिए मौका नहीं है, मतलब उन 70 में से एक के लिए भी मौका नहीं जी, तो अब वो तो पूरा दरवाजा उनका बंद हो गया, अब वो बेचारे लोग सब अपना अब न वापस लौट सकते हैं, न जहां है वहां रह सकते हैं, अब जहां है आप वहां रहिए पड़े हुए बिना किसी हासिल के, तो वो तो चले गया, पैसा बहाया जितना पसीना बहाया वो सब बेकार हो गया, पानी हो गया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अभी हो सकता है कि वो लोग जा करके कहें बीजेपी में, या तो ये वादा कर दिया जाए कि भाई देखिए अब मैं विधानसभा चुनाव के समय आपका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उस वादे का कोई मतलब नहीं होता है, ये तो आश्वासन की भुट्टी होती है, आश्वासन दे दिया जाए कि भाई अभी लगी है चुनाव में आपको विधानसभा के समय देखेंगे, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। उसी तरह से जितने सहयोगी पार्टियां थी उन सबको उम्मीद थी कि सबको अपनी पसंद से अपने हिसाब से सीटें मिल जाएंगी, बिल्कुल बीजेपी के पास पर्याप्त सीटें थी, नीतीश कुमार तो 17 सीटों पर लड़े थे, तो अगर अगर बीजेपी बहुत बहुत कंजूसी दिखाती तब भी वो सहयोगी पार्टियों को एक एक सीट ज्यादा दे सकती थी जी, तो
अब उन सब का नुकसान ऐसा हुआ कि एक एक सीटें कम हो गई सबकी। सभी असल में क्या हुआ है, जैसे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं वैसे ही बीजेपी के जितने भी सहयोगी थे उन सबकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, सबकी मोल भाव करने की क्षमता समाप्त हो गई। अब आप कोई मोल भाव नहीं कर सकते हैं, अब आप उसकी शर्तों पर वहां बने रह सकते हैं, जो मिलेगा वो लेकर के आप वहां से रह सकते हैं, और अगर होशियार होंगे लोग तो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग आज जो दोनों सहयोगी हैं ये सब पिछली बार उधर रह के आरजेडी कांग्रेस के अलायंस में रह के लड़के देख चुके हैं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी कांग्रेस अलायंस में 5 सीट लड़े थे तो उनका आधार बहुत मजबूत हो गया बिहार में, नहीं, भले पांचों सीटें हार गए हों लेकिन 5 लोकसभा सीट और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वो बहुत मजबूत हो गए, ऐसा नहीं है। उसे कोई फायदा नहीं मिला, उन्होंने जिसको लड़ाया, अब उसमें उन्होंने अखिलेश सिंह के बेटे को लड़ाया मोतिहारी से, तो अब थोड़े उनके साथ खड़े हैं वो, उनके साथ हैं वो, तो आपके आपने जिसको लड़ाया ना वो कैंडिडेट आपके साथ है, ना वहां का वोटर आपके साथ है, ना वहां का कोई संगठन आपके साथ है, कुछ भी नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। पार्टी तो उन्होंने मर्ज कर दी थी जेडीयू में और फिर वापस चले गए दूसरी पार्टी बना करके बीजेपी के साथ, तो अब जो मोल भाव की क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। जीतन राम मांझी की भी बहुत कम हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की भी बहुत कम हो गई। चिराग पासवान को उम्मीद थी कि उन्होंने विधानसभा के समय 2020 में जो कारनामा किया है उस कारनामे से कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन अब वो सरदार खुश होता शाबाशी देता, लेकिन यहाँ तो दूसरी चीज हो गई, यहाँ तो नीतीश कुमार खुद ही आ गए वापस बीजेपी के साथ। बिल्कुल, जिसको निपटाने गए थे, जिसका नुकसान किया था चिराग पासवान ने, वो नीतीश कुमार वापस बीजेपी में आ गए, तो और वो उस समय आए जब शाबाशी मिलने का समय था, जब चिराग पासवान को लग रहा था कि हम जो चाहेंगे सो बीजेपी से हासिल कर सकते हैं, और एक समय हम सब लोगों को लग रहा था जिस दिन चिराग पासवान वापस आए और उनका स्वागत किया गया उस दिन जेपी नड्डा ने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य धड़े के नेता है चिराग पासवान, जेपी नड्डा के वर्ड्स थे कि मुख्य धड़ा, तो इस वो चिराग पासवान मुख्य धड़े के तौर पर आए थे और ऐसा लग रहा था कि अब पशुपति पारस के लिए समय अच्छा नहीं है, उनको नुकसान होगा, और चिराग पासवान को बीजेपी मुख्य धड़ा मान करके उनकी उनकी मांगे पूरी मान लेगी, उनको जितनी जरूरत होगी उतनी सीटें दे देगी। लेकिन जैसे नीतीश कुमार आए वैसे ही वो मुख्य धड़े वाली बात खत्म हो गई, फिर वो फिर से वापस ताकत बढ़ गई पशुपति पारस की, क्योंकि पशुपति पारस के पीछे नीतीश कुमार की ताकत है। हाँ, तो लेकिन अभी भी मुझे लगता है सीटें तो अधिक चिराग पासवान को ही मिलेगी, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो सीटें चाहते हैं वो सीटें मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार की सीटें हैं और चिराग पासवान चाह रहे हैं। अब नीतीश कुमार को तो मतलब नाराज नहीं किया जा सकता, स्थिति ऐसी ही बनी है, और हम कहें कि देखिए मुकेश सहनी को भी नुकसान हो गया। मुकेश सहनी को इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी मुझे अपने साथ रखेगी ही रखेगी, मजबूरी है, लेकिन नीतीश कुमार के आते ही मजबूरी खत्म हो गई। चिराग पासवान को भी ये नुकसान की जो हम बात कर रहे हैं तो ये सबको नुकसान हो रहा है। देखिए पशुपति पारस की बात जो हम कह रहे थे उनको भी ऐसा नहीं होगा कि उनके लोगों को छोड़ देगी बीजेपी, जो उनके साथ है उन सबको टिकट मिलने वाली है, अब चाहे उनके सीधे उनके सिंबल पर मिले या बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ाए, उनके लोग लड़ेंगे जरूर। मुकेश सहनी का एडजस्ट हो जाने की संभावना थी और उनको 2-3 सीटें मिलकर के अच्छी अच्छी बातचीत के साथ उनको एडजस्ट होने की संभावना थी, और यह भी कहा जा रहा था कि अभी ही उनके लिए विधानसभा सीटों की भी बात हो जाएगी 30-35 सीटों की, और उनको ये कहा जा सकता है कि ये सीटें हैं आप आइडेंटिफाई कर दी गई, आप विधानसभा की भी तैयारी करिए, लेकिन वो स्थिति अब खत्म हो गई, अब वो बिल्कुल ही किसी तरह की बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, इवन एक सीट लेने की स्थिति में नहीं है, एक सिंगल सीट नहीं। मुझे खबर यह कि एक सीट अब भी रखी गई है, तो एक सीट स्पेयर करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, मतलब प्लान करना होगा कि किधर से एक सीट निकाले, किसकी सीट काटे भाई, अगर वो मुजफ्फरपुर लड़ना चाह रहे हैं तो मुजफ्फरपुर की सीट अगर बीजेपी उनको देगी तो वहां ऑलरेडी एक निषाद लीडर खड़ा किया है बीजेपी ने, खड़ा किया है, लेकिन जयनारायण निषाद को लिया करके उनको राज्यसभा में भेज करके बेटे को लोकसभा की टिकट दे करके बीजेपी ने अपना निषाद नेता खड़ा किया है, तो उसको उस लीडरशिप को तो डायल्यूट नहीं करेगी बीजेपी, अगर वहां आपने खड़ा कर दिया मुकेश सहनी को तो ये तो नुकसान हो सकता है ना, अपना जो इतने दिनों आपने जो इन्वेस्ट किया है जिस लीडर में, तो हम ये कहें कि सीट दे सकती है मुकेश सहनी को, लेकिन वो सीट कहां से स्पेयर करें इसके लिए भी सोचना पड़ेगा उसको, वो वहां भी जो है जो स्थिति हो जाती है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली स्थिति हो जाती है, कि आप चुनने की स्थिति में नहीं है, कोई भी सहयोगी दल अब चुनने की स्थिति में नहीं है, सबको पता है कि नीतीश कुमार और
बीजेपी का अलायंस कितना मजबूत है, उनके पास कितना लंबा चौड़ा वोट वोट का आधार हो गया है, खासतौर से ये अति पिछड़ा जो जाति गणना के आंकड़े आने के बाद जो अति पिछड़ा वोट है, जो महादलित का वोट है, जो फॉरवर्ड का वोट है, जो गैर गैर यादव पिछड़ा का वोट है, वो इतना बड़ा चंक है वो कि वो अपने आप स्वाभाविक रूप से बीजेपी और जेडीयू की तरफ जा रहा है। तो ये हाँ। ये जो स्थिति है, ये जिसकी बात हम लोग कह रहे हैं कि उनका वोट आधार इतना बड़ा है जेडीयू और बीजेपी का कि उसमें अब किसी की जरूरत ऐसी नहीं महसूस हो रही है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, आ जाए तो ठीक है, एक जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि आइसिंग ऑन द केक जिसको बोलते हैं, वो उस तरह की बात है। केक तो तैयार है पूरा, अब उसके ऊपर सजावट के लिए अगर कुछ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ठीक है, नुकसान वाली बात तो हो गई, अब हम नफा वाली बात करें। नफा किसे किसे हो रहा है? देखिए, नफा तो सबसे अधिक यदि हम इन पर्सन कहें तो वो ललन सिंह को होता दिखाई पड़ रहा है। कितनी बातें कही जा रही थी कि भाई लालू यादव से अधिक करीबी, तेजस्वी यादव से बहुत करीबी, और क्या क्या न कहा गया, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह का रिश्ता, हम लोग कहते रहे हैं कि इस रिश्ते पर कोई टीका टिप्पणी करना बेकार है और कोई भविष्यवाणी करना भी बेकार है। तो अब देखिए, हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि मुंगेर में महागठबंधन से ललन सिंह के खिलाफ लड़ने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। जो अंतिम उम्मीदवार हो सकते थे प्रगति मेहता, पूर्व पत्रकार, 2009 में आरजेडी के कैंडिडेट थे, अभी जेडीयू में थे, ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे। तो ललन सिंह मुंगेर सुरक्षित हो गया, तो अब उनके खिलाफ उम्मीदवार की तलाश। तो यह तो फायदा, सबसे बड़ा फायदा उनको मिला। और आप देखिए, संजय झा, जैसे ही एनडीए अलायंस हुआ, संजय झा की हसरत थी कि हमें दिल्ली जाना है, संसद में बैठना है, चुनाव लड़ने की नौबत ही नहीं आई, सीधे राज्यसभा पहुंच गए। तो ये फायदे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप देखिए, लवली आनंद को फायदा होता दिख रहा है, आप देखिए अनंत सिंह को भी फायदा मिलेगा, जो उन्होंने त्याग किया है, सरकार बचाने के लिए जो ऑपरेशन किया है, इसका फायदा उन्हें भी प्राप्त होगा। ललन सिंह, अनंत सिंह, लवली आनंद, संजय झा, ये तो साफ तौर पर लाभान्वित होते दिखाई पड़ रहे हैं अजीत जी। हाँ हाँ, ये जैसे समीकरण बदला, देखिए अभी भी नीतीश कुमार, ये जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब भी ललन सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए उम्मीदवार खोजना थोड़ा मुश्किल हो रहा था आरजेडी में भी, और आरजेडी कांग्रेस अलायंस को भी कोई लड़ने वाला मिल नहीं रहा था। हम लोगों को पता है, आपने भी बताया कि वो कई लोगों को अप्रोच किया गया था कि आप लड़ लीजिए, आप लड़ लीजिए, कहीं से बाहर से भी ले आने की बात हो रही थी, मना कर दिए थे। फिर देखिए, चर्चाएं होने लगी थी जब अमित शाह गए लखीसराय, तो उन्होंने गिरिराज सिंह की पहचान ही कराई थी कि ये तो इसी क्षेत्र के। हाँ भाई, ये भी चर्चा हो रही थी। हाँ, विकास वैभव की चर्चा हो जाती थी, बेगूसराय न सही। हाँ, राकेश सिन्हा की चर्चा हो जाती थी, बेगूसराय न सही, उम्मीदवार तलाशे जा रहे थे। तो अब तो बीजेपी को उम्मीदवार तलाशना नहीं, एनडीए को तलाशना नहीं, महागठबंधन में कोई उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। हाँ भाई, महागठबंधन में उस समय जो उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, जैसे आपने दोनों अनंत सिंह के यहाँ से, और अब महागठबंधन में नहीं मिल रहा है, अब महागठबंधन में तो और नहीं है। उस समय तो बीजेपी के पास फिर भी कुछ नाम दिख रहे थे कि मान लीजिए गिरिराज सिंह को बेगूसराय से ले आकर के और मुंगेर लड़ा दीजिए, किसी को कहती बीजेपी तो लड़ता ही। अंतिम समय में सूरज भान सिंह को ही तैयार करा लीजिए कि आप अपनी पत्नी को या भाई को करा लीजिए कि आप लड़ाइए अपने पत्नी को भाई को जिसको लड़ना है। लेकिन अब तो आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में तो सचमुच कोई उम्मीदवार नहीं है, जिसको जो आखिरी बार जिनको लड़ाया था आरजेडी ने प्रगति मेहता को, अब वो भी नहीं है वहां। और ललन सिंह का, ललन सिंह के साथ क्या, ललन सिंह को लेकर के जो पहले जितनी चर्चाएं हुई थी वो सारी चर्चाएं तो खत्म हो गई, वो सब पता चल गया कि वो सब एक तरह की उनकी पोजिशनिंग थी जो दिख रही थी, जो बात उन्होंने उस दिन संसद में जब उनको बोलने का मौका मिला, इस नया अलायंस होने के बाद जब वो पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने साफ दो टूक कहा कि भाई ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के घर तो नहीं गई, हाँ आपके घर गई। उन्होंने कहा कि आपके घर गई, इसका मतलब आप में कुछ कमी है, आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आपके घर गई। अपनी पोजीशन उन्होंने साफ कर दी, जो थोड़े बहुत संशय के बादल थे वो उड़ गए, उनकी सीट पक्की हो गई। उनको था कि अब इस समय जब इस उम्र के ऐसे पड़ाव पर है कि अब उनको भी आखिरी या उसके सेकंड लास्ट इनिंग अपनी खेलनी है, तो आकर के खेल ले, दिल्ली में रहे 5 साल और वो, और सरकार अगर सरकार बनती है अलायंस की और मौका मिलता है तो केंद्र में मंत्री बने, तो अपनी उसकी वो उसके लिए अब उनको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब वो नॉमिनेशन करेंगे और वो उनके लिए वहां की सीट बहुत आसान हो गई। और कल नीतीश कुमार उनको साथ लेकर निकले, जब नामांकन का पर्चा भरा जाना था परसों,
तो साथ हाँ लेकर निकले, साथ लेकर गए और साथ लेकर आए, तो लेकर उसमें के आए वहां बेटा से। भी हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ, वो तस्वीरें भी जब वायरल हुई कि भाई जो लोग समझ रहे थे कि दूरी बन रही है, तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि देखो अब भी हम कितने करीब हैं। हाँ वो तो बार बार दिखाते रहते हैं नीतीश कुमार, जब दिल्ली में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब अध्यक्ष पद छोड़ा था ललन सिंह ने, तब भी उनको हमेशा साथ रखे रहे, और अभी भी हर जगह नीतीश कुमार, भले ललन सिंह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे लेकिन जितना घटनाक्रम होता है उस पर उनका साया, उनकी छाया हमेशा दिखाई देती रहती है, वो पता चलता रहता है कि कहीं से वो मौजूद है। अब वो फायदा सब आपने नाम गिना ही दिए इन लोगों को हुए, इन जो मतलब आनंद सिंह और लवली आनंद और इन सब के अलावा जो लाभार्थी हैं उसमें तमाम एमपी हैं जो जनता दल वाले, जनता दल यू वाले एमपी बिल्कुल, हैं, वो भागने में तैयार थे। हाँ जो भागने को तैयार थे, उनको लग रहा था कि सीट तो गई आरजेडी में, अब आरजेडी जी में सीट चली गई तो हम क्या करें, तो हाँ जिनके लिए अब जिनका सब खत्म हो रहा था, अब उनकी सब सांस लौट आई, जान में जान, सबके चेहरे पर हरियाली जो लौट आई, महागठबंधन से नहीं लड़ना चाहते थे, जिन्हें लग रहा कोई था कि लड़ना ही नहीं चाहता 2019 में हाँ जिनके खिलाफ जाकर वोट मांगे, अब उन्हीं के उनसे पास कैसे जाए वोट मांगने। कैसे जाए, और उनकी सीटें भी तो चली जाती, 6-8 सीटें तो ऐसी बताई जा रही थी जो आरजेडी को चली जाती, फिर तो ऐसे में हाँ उनकी साफ टिकट तौर कट पर, गई थी, हाँ जी तो वो लोग वो फिर सबकी जान लौट आई, अब उनको यही तो, अब उनकी सीट तो रह गई, अब उनको हो सकता है कि सी हमें सबको सीटें मिल भी जाए अपनी, कि भाई सीटिंग गेटिंग बिल्कुल वो हो जाए कि भाई आप चुनाव लड़े थे पिछली बार जीते थे, फिर उसी समीकरण से जेडीयू बीजेपी लड़ रहे हैं तो आप अपनी सीट से लड़िए और फिर लड़के जीत जाइए। तो ये जी तो बड़े लाभार्थी वो सब 13 MPs की बात हो रही थी कि जिनके जो बेटिकट हो साफ सकते थे तौर या पर जन बिल्कुल, ये खबर भी हमने वो चलाई थी कि 13 MP भागने को तैयार हैं, और यह हमने मजबूरी भी रही कि नीतीश कुमार उधर गए। उधर गए, तो अब उन जी सबकी सबकी जान में जान लौट आई, अगर टिकट मिल जाए सबको, अब या नहीं मिले तो कुछ और ना कुछ मिलेगा ही उनको, अगर उसमें से कुछ को नहीं मिलता है तो। ये सब जी लाभार्थी लोग हैं जिनको बड़ा लाभ हुआ है ये पाला बदल के, ये नया इक्वेशन बनने से। जी तो चलिए देखिए, हम लोगों ने चर्चा की कि नीतीश कुमार की बदली हुई चाल से किसे नफा हुआ, किसे नुकसान हुआ, और साथ में लालू यादव ने जो छकाने वाली राजनीति कर दी, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल कर ही रखा है, या यूं कहें कि बैठे ही हुए हैं। अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, कितने दिनों तक खुश रहेंगे, कब नाराज हो जाएंगे, वैसे उन्होंने कहा है कि अब बदलेंगे नहीं, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने कहा था मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और अजीत जी आप तो कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, और जैसी जरूरत वैसा फैसला। तो आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।